पीटीआई रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी को कराची से सखर जेल मुंतकिल कर दिया गया है। अहलिया ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, फिरदौस शमीम नकवी को सेंट्रल जेल कराची मुंतकिल करना था। जेल के बाहर 5 घंटे से इंतजार करते रहे। अहलिया का मजीद कहना था कि फिरदौस शमीम नकवी की हालत बेहतर नहीं है। वजीर आला सिंध से दरख्वास्त है कि उन्हें कराची में ही रखा जाए। मजीद उनका क्या कहना था आपको दिखाते हैं। आज सुबह जो था वो फिरदौस का ATC कोर्ट में नामालूम अफराद के केस की हेयरिंग थी। वहाँ पे जो था वो जज साहब ने फैसला दिया कि उनको जो है वो सेंट्रल जेल मुंतकिल किया जाए और वहाँ उनका मेडिकल चेकअप हो। हम लोग जो थे वो यहाँ आए तो पता चला कि फिरदौस यहाँ नहीं है, वो टीपू सुल्तान पे जो है वो वहाँ के किसी ब्रांच में है थाने में। हम लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ से पता चला कि नहीं, फिरदौस को सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया गया। यहाँ मैं आके 3 बजे फिरदौस को यहाँ होना था। हम लोग आके समझे 5-6 घंटे से यहाँ पे खड़े हुए हैं और उनकी कोई इत्तला नहीं है, ना उनका मेडिकल चेकअप हुआ है। और वो एक कैंसर सर्वाइवर हैं, क्योंकि उनका जो था वो सलाइवा नहीं बन रहा है, ही कॉन्ट टेक एनी थिंग, स्पेशल डाइट है उनकी, वो नॉर्मल डाइट नहीं ले सकते। तो अब उनको जो है वो हमें अभी कोई इत्तला नहीं है। पूरा दिन गुजर गया है एक बीमार आदमी के लिए, जो कि जिसने इस साल मतलब पूरे साल उनकी तबीयत ख़राब रही है। और मेरी हुकूमत सिंध से, CM सिंध से मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अल्लाह मियाँ किसी के घर के ऊपर भी खुदा ये वक्त ना लाए।